कल जो क्वेश्चंस लिए थे अगर उसमें किसी को डाउट होगा तो थोड़े टाइम बाद पूछ लेना आफ्टर वी आर डन विद अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। ओके सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट कोसेके माइनस साइन ए इंटू सेके माइनस कॉस ए इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। ओके सो एलएचएस बड़ा है तो हम एलएचएस को उठाएंगे गाइस। एंड कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन? कोसेक साइन सेक कॉस नथिंग। कैन वी अप्लाई एनी आइडेंटिटी? नथिंग। कन्वर्ट एवरीथिंग इंटू साइन कॉस। बोलो रे एवरीबडी, अरे आवाज आ रहा है क्या? ओके 1/sin, यस सर, इक्वल कोस अपॉन साइन। माइनस साइन को हम साइन ही रहने देंगे। सेक इज इक्वल टू 1/cos, गुड, प्लस कॉस को कॉस रहने देंगे। एंड लेट्स सिंपलीफाई दिस। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू यहां पे क्या है 1 माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ए। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? कॉस स्क्वायर कॉस ए अपॉन साइन ए। व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए? साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये एक कॉस ए से एक कॉस ए कटा, साइन ए से एक साइन ए कटा, बचा क्या? कॉस ए इंटू साइन ए। साइन। बस इसके आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सी सब कुछ साइन कॉस में है, दो चीजों का प्रोडक्ट है से एक्स इंटू वाई। अभी क्या सिंप्लीफाई करेंगे इसको? एलजेब्रा भी कुछ नहीं, लेकिन राइट हैंड साइड में देखो भलता ही कुछ है। यस तो अब हम राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। सेम, नो आइडेंटिटी, नथिंग नथिंग नथिंग। लेट्स कन्वर्ट एवरीथिंग इंटू साइन कॉस। टैन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस कॉस ए कॉस प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन। वेरी गुड, ऊपर तो 1 है, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस कॉस इंटू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। यस डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस ए, राइट? 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, करेक्ट? ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एकदम सिंपल, एवरीबॉडी समझ में आया? का नो डाउट, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ओके अगेन फ्रॉम योर टेक्सट बुक एक्सरसाइज। ठीक है अगला सवाल देखो तो फिर ये वाला। ठीक है सो आई वांट सम वॉलेंटियर टू टेल मी कि क्या करना है ना? तो ये बताएगा मुझे अक्षत। यस अक्षत बोलो क्या करे? एलएचएस को लेंगे अक्षत। अक्षत फटाफट बोला क्या हाँ सर, करूं बोल। कम ऑन यार, तो नहीं लग स्टेप्स रही लगा कौन यार, सी भी स्टेप्स लगा। सर, कौन सी भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है। अरे पहला स्टेप क्यों छोड़ रहा है ना? बट आई कैन टेक समथिंग कॉमन भाई, आइडेंटिटी सेकेंड स्टेप है, मैं आइडेंटिटी हाँ का सर, अभी से क्यों साइन सोचूं? साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं ऊपर से एब्सोल्युटली, और ऊपर नीचे से से साइन कॉस थीटा थीटा। कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? यहां बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बचा, डिवाइडेड बाय नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा इंटू क्या बचेगा? 2 cos² θ - 1 है ना, इज इक्वल टू। बच्चों इसका वैल्यू क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा थीटा इज टैन थीटा इंटू ब्रैकेट में क्या बचा है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब
अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा थीटा माइनस वन। अब देखो सीन क्या है यार, आरएचएस में हमको टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा तो मुझे मिल गया है ना। मतलब वेरी ऑब्वियस, इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये इससे कटने वाला है, हाँ कि नहीं? बट अभी नहीं काट सकता मैं ऐसे, बट बता रहा हूं यार, अब तुमको ऐसा कुछ करना है कि ये इससे कट जाए, खत्म, हाँ कि नहीं? तो क्या करेंगे देखो हम लोग, टेन थीटा नीचे कॉस है तो ऊपर भी कॉस लेकर के आओ, वन माइनस टू, साइन के बदले कॉस लाना है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बोलो समझ में आया? और क्यों किया ऐसे ये भी समझ में आया क्या? नीचे एज इट इज, यस नीचे एज इट इज। देखो यार हमको जो चाहिए टेन थीटा आरएचएस में वो तो मिल गया, मेरा काम खत्म। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों एक दूसरे को मार देंगे, है ना? अब उसके लिए करना क्या है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, या तो ऊपर वाले को कॉस में कन्वर्ट करो या नीचे वाले को साइन में कन्वर्ट करो। तो हमने ऊपर वाले को कॉस में कन्वर्ट किया, ये टेन थीटा का खेल खत्म, ये तो बैठा ही है। वन माइनस टू वन जा टू, टू इंटू कॉस थीटा इज प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन थीटा इंटू वन माइनस टू इज माइनस वन, सो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इससे ये कटा, हेंस प्रूव। यस, तो दिमाग भी कैसे चलाना है ये समझो, इसलिए आरएचएस को देखते रहो थोड़ा थोड़ा कि अच्छा टेन थीटा चाहिए, ये तो इधर ही मिल गया यार, पहले ही स्टेप में काम खत्म, है ना? अब ये सारा ये चीज क्या कर रहा है इधर, कबाब में हड्डी, ये कबाब में हड्डी है पूरा, हटाओ इसको। कैसे हटाएंगे? ऐसे। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है सबको? एनीबडी एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ भी? यस, तो ऑल क्वेश्चंस लॉजिकली, ऐसा नहीं है कि बस कुछ तो करते जाना है, थोड़ा सा थॉट लगाना है और बाकी तो ऑटोमेटिक बन जाता है यार। स्टेप्स फॉलो करो, ऑटोमेटिक हो जाता है सब, कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो फिर आराम से प्यार से धीरे धीरे। चल यहां देखो, साइन ए प्लस कोसे के, ओके, कॉस ए प्लस से के, ओके, इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, सेवन इंटू टेन कॉट। चलो एलएचएस उठाएंगे, कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन? नो, नो कुछ कॉमन नहीं, साइन कॉस दो दो टर्म्स है, टर्म नंबर वन टर्म नंबर टू, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता भाई, सर, है ना? कॉसेक को साइन और कॉस अच्छा रूल नंबर टू, स्टेप नंबर टू, कैन वी अप्लाई एनी आइडेंटिटी? नो लग तो सर रहा है होल ए स्क्वायर है। प्लस बी होल स्क्वायर प्लस, यहां पर भी ए प्लस बी होल स्क्वायर, अरे हाँ कि नहीं? करेक्ट, तो ये चीज भी हमेशा चेक किया करो, ओके? सो चलो फिर अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। यस गाइस, ये पहले ब्रैकेट को एक्सपांड किया प्लस, अब दूसरे ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर ए। ग्रेट, अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है भाई, वन वन, तो इसको वन लिख दिया। प्लस व्हाट इज साइन ए इंटू कोसे के, अरे वन व्हाट इज साइन ए इंटू कोसे वन के, कम ऑन, वन वन होता है कैसे, अरे रेसिप्रोकल है ना वो एक दूसरे का, एक्स इंटू वन बाय एक्स। चलो स्टेप वाइज लिख के देता हूं, है ना, छोटे बच्चों की तरह स्टेप वाइज लिखेंगे, टू इंटू साइन ए इंटू कोसेक को लिखूंगा वन अपॉन साइन ए प्लस ये कोसेक स्क्वायर ए एज इट इज प्लस ये कॉस और साइन तो वन हो गया, इसको भी टू इंटू कॉस ए प्लस
सेक को लिखूंगा वन अपॉन कॉस, लेकिन गाइस जब भी ऐसा कॉस इंटू सेक लिख देखो तो लिख दो वन, चलता है इंटू सेक स्क्वायर ए, राइट। इससे ये कटा, इससे ये कटा, है ना। तो ये वन प्लस टू थ्री प्लस टू फाइव, ग्रेट, फाइव मिल गया। सेवन चाहिए, देखो यहाँ पे सेवन प्लस, हाँ सेवन प्लस है वो, सेवन चाहिए तो उसमें का फाइव मिल गया। और क्या बचा, और क्या बचा, सेक स्क्वायर ए बचा, प्लस और क्या बचा, कोसेक स्क्वायर ए बचा। वाह। अब आरएचएस में देखो जरा, एक की वजह आरएचएस में से मुझे ये चाहिए टैन। हाँ यस, कोई कुछ की बोला, जगह कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं ना। एब्सोल्युटली, है ना। देखो यहां पे मुझे टैन चाहिए, है ना, तो ये सेक को मैं टैन में कन्वर्ट कर सकता हूं, डायरेक्ट आइडेंटिटी, सेक इज इक्वल टू वन प्लस टैन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा इज वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। प्लस देखो यहां मुझे कॉट चाहिए, तो ये कोसेक को मैं लिख सकता हूं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर है ना। हो गया 5 प्लस 1, 6 प्लस 1, 7, प्लस टैन के बदले मतलब ये टैन स्क्वायर है, प्लस ये कॉट स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू आर एच एस। बोलो, आई बात समझ सर, एक एवरीबडी? डाउट है तो हाँ बोलो। सर, हम लोग उसको एल्जेब्रिक वाला जो एक्सप्रेशन है वो लगाए बिना उसको पहले हम लोग 1/sin ए में कर कन्वर्ट सकते हैं कर, ना, कर सकते हैं ना, करके देखो, करके देखो तो सही, देखो सॉल्व तो होने वाला है, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैम देखो क्या होगा, इसको लिखोगे तुम 1/sin, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे थोड़ा बताता हूँ। ओके, इसको लिखोगे साइन ए प्लस 1/sin ए का होल स्क्वायर, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1/sin ए का होल स्क्वायर। फंस गए रे ओबामा, ये क्या हुआ, साइन रेज टू 4a प्लस 2 sin² a प्लस 1/sin² a, हाँ भाई सर इधर समझ क्यों गया, जा रहे हो, समझ गया डेंजर है ना, तो छोड़ दो ना, राइट। तो सर। बस ये चीज तुमको समझना है सर कि पर हम ये लोग उसको, एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कब लग, देखो सॉल्व होने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ओके सॉल्व होगा 200%, यस, लेकिन तुमको बस यहां दिमाग लगाना है कि कब पहले आइडेंटिटी लगा दे या कब पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे, ओके बाकी सॉल्व तो होने वाला है, ऐसा नहीं है कि वो मेथड से सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा, थोड़ा सा सोचना फिर और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ओके एनीबडी एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? श्योर, हटा दे इसको, हटा दे यस मतलब सर, आगे बढ़े, परफेक्ट। चलो ये क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन देखने के बाद सबसे बुरी चीज क्या लगती है, रूट रूट, वेरी गुड, रूट, रूट सबसे, रूट, रूट देखा तो पसंद ही नहीं आता, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन, रूट, है यस ना, तो रूट को हटा दो। हटा दो मतलब कैसे हटा सकते हैं यार, देखो कोई चीज स्क्वायरिंग, रूट से बाहर कब निकलेगा, कोई चीज रूट से बाहर कब निकलेगा, जब अंदर ऐसे एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, ये और रूट कट जाता है, हाँ कि नहीं, करेक्ट। अगर अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जैसे 4, राइट, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, ये कटा 2 बाहर, है ना, तो रूट हटाना है, रूट हटाने का तरीका होता है रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर लेकर के आ जाओ, ओके सहर, यू कैन नॉट डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि तुम तो दोनों चीज सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, तुम्हारे पास तो सिर्फ एलएचएस है, यस सर, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ऐसा ही है तुम्हारे पास सिर्फ, है ना, ये तो प्रूव करना है तुमको कि इससे इक्वल है, तो यू कैन नॉट स्टार्ट विद बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो इस केस में क्या करना गाइस, इस केस में तुम लोग करना रूट के अंदर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, कैसे होता है, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, इसको रूट के अंदर चलता है, अरे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर, क्या फर्क पड़ता है। अब इससे हो क्या गया, इससे बहुत बढ़िया चीज हो गई,
इससे बहुत ही बढ़िया चीज हो गई। क्या हो गया? वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए का साइन स्क्वायर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए इज वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर है ना। अभी देखो ऊपर क्या बचा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए। वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। अब देखो आ गया स्क्वायर, तो ये इससे ऊपर वाले का रूट कटा, ये स्क्वायर से इसका रूट कटा, तो बाहर क्या आया, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये रूट को ऐसे काटना नहीं, ये तुमको समझा रहा हूं, राइट। अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो परफेक्ट स्क्वायर के बाहर ये आ गया, खत्म। अब वन अपॉन कॉस ए, इसको भी कॉस दे दो, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको भी कॉस दे दो, है ना। व्हाट इज वन बाय कॉस, सेक। व्हाट इज साइन बाय कॉस, टेन। हेंस प्रूव। तो यहां पे रैशनलाइजिंग, जब भी ऐसा रूट वाला सम दिखे इसमें वैरायटी आएगा, वन प्लस कॉस अपॉन वन माइनस कॉस, ऐसे। तो जो भी रूट का क्वेश्चन दिखे तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यस, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज करने से क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो गाइस रूट हटाने का तरीका होता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इफ यू हैव ओनली वन साइड ऑफ द इक्वेशन, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, देखो सिर्फ इतना है तो एक्सप्रेशन है ना, इसका रूट हटाने का तरीका है रैशनलाइज। अगर ऐसा है, दोनों साइड अगर तुम सॉल्व कर सकते हो, यस, तो मैं स्क्वायर बोथ साइड्स कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। लेकिन मेरे पास तो दोनों साइड है ही नहीं ना, सिर्फ एक ही साइड रहता है, तो उसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करो। बोलो आ रही है बात समझ, एनीबडी एनी डाउट इन दिस। टिपिकल क्वेश्चन है। अब इस एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 8.5 से कोई भी क्वेश्चन मैं बोल नहीं सकता हूं कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस दो दो तीन तीन बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट 10 क्वेश्चंस है ना, ये 10 में से हर क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार एग्जाम में आया है, और यही रिपीट होते हैं। सो गाइस ट्रिग्नोमेट्री में दो क्वेश्चंस आएंगे तुमको, यस, चार चार मार्क के। उसमें से एक क्वेश्चन रहेगा टेक्स्ट बुक में से एज इट इज, और उसको ऑप्शन करके एक और क्वेश्चन रहेगा, है ना। और अगर तुम्हारा लक खराब है, राइट, तो ही टेक्स्ट बुक के बाहर का क्वेश्चन आता है। लेकिन यार एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का तो पक्का होता है, 3 मार्क या 4 मार्क, ये लास्ट वाले एक्सरसाइज से। सो एज इट इज जाके सॉल्व करना है, दो बार अगर तुम वो सॉल्व कर लो तो खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? यस। तो अगर जब भी हमको रूट हटाना है अंबर, तो हम क्या करते हैं, नीचे है वन माइनस साइन ए, करेक्ट, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, वन प्लस साइन ए। वन माइनस साइन ए लास्ट ईयर सीखा है ना, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यस तो सर, वन यस सर, माइनस साइन ए है, तो प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो वन प्लस यस साइन सर, ए इंटू वन प्लस साइन ए इज वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड यस बाय सर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। यस सर, सो ऊपर हो गया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, एंड ये तो आइडेंटिटी है हमारा, वन माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज वन, वन वन, माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर के बदले हमने कॉस स्क्वायर डाल दिया नीचे। यस ओके, सर, यहाँ ऐसे डॉट डॉट डाल के ये आइडेंटिटी लिखना पड़ता है, नहीं तो आधा मार्क चला जाएगा फुकट में। ओके, जहां जहां तुम आइडेंटिटी यूज करोगे वहां तुमको लिखना पड़ेगा। जैसे तुमने यहाँ वन डाल दिया, राइट, तो इस स्टेप के आगे लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, ब्रैकेट में। नहीं लिखोगे तो आधा मार्क चला जाएगा। यार 4 मार्क देने वाले हैं इस चार स्टेप के, तो ये चार स्टेप का 4 मार्क तो फुकट में कोई नहीं देगा, 3 मार्क भी नहीं देगा, इतना सिंपल सा है वो, है ना। तो यहाँ पे वो जबरदस्ती फिर मार्क्स कट करेंगे कि अच्छा बेटा तू आलसी है ना, ये ले, है
मैं भी मार्क्स कट करूंगा, राइट? सो मेक श्योर कि तुम ये मिस्टेक नहीं करोगे बोर्ड एग्जाम में, ओके? फाइन, तो अब ये रूट हट गया, अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, रूट हट गया, सो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, स्क्वायर के साथ ये रूट हट गया, नीचे का भी स्क्वायर, स्क्वायर के साथ ये रूट हट गया, है ना? तो बचा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, दोनों को कॉस दे दो, इसको भी कॉस दे दो, इसको भी कॉस दे दो, दैट्स यस इट, सर। 1 बाय कॉस इज 6, साइन बाय कॉस इज 10, सर क्लियर आई वांटेड टू आस्क एवरीबॉडी? समथिंग बोलो। सर, अभी लाइक ऊपर साइन है और नीचे समझो कोई दूसरा मतलब वैल्यू है लाइक कॉस या कॉट ऐसा रहेगा, ऐसा टेंशन मत क्वेश्चन। लो, टेंशन मत लो, क्वेश्चन लाके दो, है ना, मैं सब ओके करा सर, दूंगा। और वैसे ओके भी सर, जस्ट गाइस, बिफोर आई फॉरगेट दिस, 10th स्टैंडर्ड आईसीएससी को सेम चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री, सेम आइडेंटिटीज, राइट, और सेम टू प्रूव के क्वेश्चंस। अब जैसे तुम्हारे बुक में सिर्फ 10 सवाल है और सॉल्व एग्जाम्पल में 3-4 होते हैं, उनके बुक में 50 क्वेश्चन होता है, ओके, 50 क्वेश्चंस, ये प्रूव दैट वाले, जिसमें से 25 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, 25 क्वेश्चन अनसॉल्व होते हैं, ओके? तो मैं उनके लिए जब उनको पढ़ाऊंगा उनके बुक के 25 क्वेश्चंस, राइट, उन लोगों को मैं सिर्फ सॉल्व पढ़ाता हूँ, अनसॉल्व वो खुद करते हैं, ओके, और फिर डाउट्स लेता हूँ। तो जब मैं उनको ये 25 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, दैट टाइम यू गाइज विल हैव टू अटेंड द सेशन, वो तुम्हारे लिए रहेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, राइट? जो बाकी बुक्स में क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस उनके टेक्स्ट बुक में ही होते हैं सारे, फाइन? सो तब सेशन अटेंड कर लेना, या तो फिर मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, तो दैट विल बी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड रिविजन फॉर ट्रिग्नोमेट्री टेक्स्ट बुक के बाहर से, ओके? सो मेक श्योर कि वो फॉलो करोगे, सेम रहता है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस चेंज होते जाते हैं, बहुत सारे अलग 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 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, ओके? नाउ लास्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, बोथ क्वेश्चंस आर लिटिल हटके, थोड़े हटके क्वेश्चंस है, मतलब थोड़ा सा, मतलब कुछ भलता सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है उसमें, ओके? वो क्या करना पड़ता है गाइज, एम आई ऑडिबल एवरीबडी? यस सर, ओके, यस सो सर, गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन टू प्रूव, या प्रूव दैट साइन थीटा, ध्यान देना अच्छे से, माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब जब भी ऐसा कुछ तुमको दिखाई दे, यस, जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे, ओके गाइज, होल्ड ऑन फॉर 1 सेकेंड ओनली, लेट मी ऑप्टिमाइज द स्क्रीन शेयरिंग सो दैट, यू आर एबल टू व्यू द स्क्रीन, या परफेक्ट। अब देखो यार, अभी तक जितने क्वेश्चन थे, दिस इज अ टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको देख लो, नजर में बैठा लो, साइन माइनस कॉस प्लस 1, साइन प्लस कॉस माइनस 1, राइट, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है ये, दीज आर द लास्ट 2 क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग, है ना? अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान देंगे अच्छे से, एलएचएस ले लो, अच्छा बाय द वे क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है ना, ये प्रूव दैट दिस यूजिंग, एक सेकेंड ना, एज इट इज क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये आइडेंटिटी यूज करके ही तुमको ये चीज प्रूव करनी है, ऐसे बोला है, ओके? अब एलएचएस ले लो, ठीक है, सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, क्या तुमको कहीं पर भी टैन और सेक दिखाई दे रहा है क्या एलएचएस में?
ना ही सेक है ना ही टैन है, करेक्ट नहीं है, तो यार ये आइडेंटिटी यूज कैसे करेंगे हम लोग, है ना? तो इसमें उल्टा करना है, उल्टा मतलब जैसे हम जनरली सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, यहां हमको सब कुछ टैन और सेक में कन्वर्ट करना है, यहां हमको सब कुछ टैन और सेक में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे, वो इस तरह से डिवाइड एवरी टर्म बाय कॉस थीटा। यहां देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, देखो यार एक को डिवाइड नहीं कर सकता, करना है तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा, बोलो आई बात समझ? हर एक चीज को, इसको 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 कॉस से ही क्यों डिवाइड किया, यहां देखो साइन बाय कॉस टेन थीटा, वाओ आ गया, कॉस बाय कॉस वन, वन बाय कॉस सेक, आ गया टेन और सेक। अब हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करने का सोच सकते हैं भाई, है ना? नीचे साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, एवरीबडी आई बात समझ? एक्सप्लेन करना होगा वापस तो अभी बोलो, क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर से नहीं करूंगा। सर वापस एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ देखो क्या किया हमने भाई, क्या किया है अंबर, सब सब टर्म्स को, इसको 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 सबको कॉस से डिवाइड किया, चलता है ना? सबको यस करो, सर, अगर करना है तो सबको, नहीं तो नहीं, राइट? तो सबको कॉस यस से सर, डिवाइड किया। अब क्यों किया, क्योंकि हमको सेक और टैन चाहिए यहाँ पे, उन्होंने बोला यूज दिस आइडेंटिटी। अब क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी साइन कॉस नहीं, सेक और टैन नहीं है तो लाना पड़ेगा, तो हम लेकर क्या आए? अभी तक हम क्या करते थे, सेक टैन को साइन कॉस में कन्वर्ट करते थे, अभी ना यस हमको सर उल्टा समझ गया। करना है। ओके तो हमने सबको कॉस से डिवाइड कर दिया, फाइन। अब आया ये चीज, अब देखो अगला स्टेप यहां लिख रहा हूं मैं, इसको गाइस कुछ भी नहीं रीअरेंज कर देता हूं। रीअरेंज मतलब पहले मैंने लिखा टेन थीटा, फिर मैंने लिखा सेक थीटा, और फिर मैंने लिखा माइनस वन डिवाइडेड बाय, नीचे भी पहले लिखा टेन थीटा, फिर लिखा माइनस सेक थीटा, फिर लिखा प्लस वन। तो इसको रीअरेंज किया, सिर्फ वन को इधर लिखा सेक को इधर लिखा, कंफर्टेबल है ना? अब देखो क्या करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं एक ट्रिक छोटी सी। टैन थीटा प्लस सेक थीटा को एज इट इज लिखा, ये चीज बस ब्रैकेट लगा दिया उसको, क्या फर्क पड़ता है? माइनस ये जो वन है ना, वन वन को मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, बोलो चलता है ना भाई? चलता तो है, हमने तो पढ़ा था। आइडेंटिटी देखो हमारी कहाँ पे, इधर है यार सब, होल्ड ऑन, ये देखो यहाँ आ जाओ, ये वन इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक्स स्क्वायर थीटा, है ना? टेन स्क्वायर को इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, बोलो आई बात समझ एवरीबडी, यस सर, है ना? तो ऐसे किया, अब क्यों किया वो धीरे धीरे आगे समझेगा, है ना? तो इस वाले न्यूमेरिकल का एक टिपिकल पैटर्न है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। वैसे तो देर इज वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग इट, है ना, विदाउट यूजिंग द गिवन आइडेंटिटी, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट रास्ता है, उसमें रैशनलाइजिंग करना पड़ता है। ओके तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशंस लंबा हो जाता है, अगर यहां तक समझ गया तो इसके आगे कुछ बचता नहीं है। तो अपॉन नीचे एज इट इज लिखेंगे बच्चों, ओके नीचे कुछ भी नहीं किया ठीक हमने। हेलो ये समवन सेड समथिंग, एक काम करेंगे, सॉरी आरएचएस को देख लो जरा, वन सेकेंड ना गाइस, होल्ड ऑन, इसको हटाया, ओके इसको हटाया, सेम चीज लिख रहा हूं, ओके सेम चीज लिख रहा हूं, सिर्फ सिर्फ यहां ध्यान देना, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, क्या
गाइस गिव मी 1 सेकेंड, ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. थीटा कॉमन आएगा, ओके, आई एम सो सॉरी. ठीक है, सेम चीज करना है लेकिन डिनोमिनेटर में. सो मैं वही सोच रहा था, ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ओके, प्लस ये वन के बदले सब्स्टिट्यूट करो. क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? टेन, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. बोलो, आई बात समझ? ऊपर वाला वन ऐसे ही रहने दो और नीचे वाले वन के बदले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो. क्लियर है? अब इसके बाद देखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, ऊपर एज इट इज न्यूमरेटर में चलने दो कहानी, एज इट इज कहानी चलने दो. डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, टेन थीटा माइनस से, अच्छा ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा है ना, इसको मैं लिखता हूं, कल सिखाया था देखो, माइनस ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा. चलेगा क्या? एवरीबडी विथ मी? हेलो, यस सर, यस सर, यस. और प्लस, यस सर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इनटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा. यस, यस, हाँ सर, वो स्क्वायर कैसे आया सेक स्क्वायर थीटा? अरे वन के बदले भाई, अभी तो सिखाया पीछे जाकर के, इतना ये जो वन था ना, ये वन के बदले लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. वन के बदले वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है ना, यहाँ लिख देता हूँ. करेक्ट, समझ में आया सबको? अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, गाइस ध्यान देना, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय, नीचे देखो यहां पर दो टर्म्स है, ये है टर्म नंबर वन और ये है पूरा टर्म नंबर टू, प्लस से सेपरेटेड, दोनों में sec थीटा माइनस tan थीटा ये चीज कॉमन है कि नहीं है? ये देखो, इसमें भी है sec थीटा माइनस tan थीटा का ब्रैकेट, इसमें भी है sec थीटा माइनस tan थीटा का ब्रैकेट. बचा क्या गाइस? यहां पे बचा माइनस वन है ना, और इधर क्या बचा? sec थीटा प्लस tan थीटा. बोलो, आई बात समझ? अब ये ब्रैकेट से ऊपर का पूरा ब्रैकेट कट गया और बचा क्या? सिर्फ खत्म, sec थीटा माइनस tan थीटा विच इज इक्वल टू आर एच एस. हो गया सॉल्व? समझ में आ रहा है? फिर से बताना है? हाँ सर. हेलो, देखो देखो देखो, थोड़ा सा ऊपर लिखो, वो नीचे वाला एकदम ज्यादा. हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं वापस बताता हूँ. अगला वाला सम भी सेम रहेगा गाइस, क्या थोड़ा जगह नहीं रहता है मुझे लिखने को, कोई बात नहीं. चलो मैं वापस लिख रहा हूँ, वापस समझाऊंगा, सब लोग ध्यान दे देना. यहां से लिख रहा हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, ऐसा था. इसको हमने क्या किया, उन्होंने बोला है आइडेंटिटी यूज करो, इसलिए हमने सबको कॉस से डिवाइड किया. तो यहां फिर से मैं लिख देता हूं, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस प्लस वन अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा. करेक्ट, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब ये देखो, टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा. अब हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन चालू होता है. इतना सबको समझ में आया? कॉस से डिवाइड किया क्योंकि उन्होंने बोला है यूज दिस आइडेंटिटी.
तो ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए भाई पहले हमको लेके आना पड़ेगा टेन और सब कुछ, है ना। अब उसको सिर्फ रीअरेंज करता हूँ। रीअरेंज में क्या किया मैंने, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, हमेशा वन वाला टर्म लास्ट में लिख दो, ओके। और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ओके। अब यहां से नई चीज चालू हो रही है तो नया कलर यूज कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, यहां देखना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस प्लस नहीं माइनस वन एज इट इज लिख दिया। और नीचे में क्या कर रहा हूं मैं, नीचे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा को ब्रैकेट लगा दिया और प्लस वन के बदले स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब यस देखो सर, अगेन, टेन थीटा एज इट इज प्लस सेक थीटा माइनस वन, ये सब एज इट इज। ये वाला जो ब्रैकेट है ना गाइस, ये वाला ब्रैकेट इसको मैं उल्टा कर दे रहा हूं, उल्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर दिया मैंने उसको, तो बाहर माइनस साइन लेना पड़ेगा एक, करेक्ट। प्लस प्लस ये क्या है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्लियर है। अब नीचे में देखो, देर आर टू टर्म्स डिनोमिनेटर में, ये पहला टर्म, हाँ कि नहीं। अब ये टर्म में ऊपर देखो, ऊपर यस तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, डिनोमिनेटर में ये चीज कॉमन है, ये देखो, ये इधर भी सेक माइनस टेन है और इधर भी एक सेक माइनस टेन का ब्रैकेट है दो टर्म्स में, तो सेक माइनस टेन कॉमन ले सकता हूं क्या मैं, यस ले लेते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, यहां का माइनस वन, हाँ कि नहीं। प्लस ये बीच में प्लस है तो प्लस, यहां से ये वाला ब्रैकेट बच गया, ये वाला ब्रैकेट है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यस और नो। अब देखो, ये न्यूमरेटर और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, तो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया, बचा क्या, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा विच इज इक्वल टू आर एच एस, यही तो प्रूव करना था। देखो स्टेप्स बहुत कम है, लगे सर हमको कैसे समझेगा, अरे इसीलिए तो सिखा रहे हैं ना यार आपको, राइट। कि ऐसा सम जब भी देखोगे, साइन माइनस कॉस प्लस वन माइनस वन, और ऐसा लिखा रहेगा इवेलुएट यूजिंग दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी, तो ऐसा कुछ तो आपको करना पड़ेगा। यस, सर, ये है तुम्हारे रूप से, वन सेकेंड गाइस, हाँ बोलो मैं पूछ बोलो, रहा था कि वन सेकेंड, ये है तुम्हारे बुक का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 15 पूरे चैप्टर का, ओके। दिस इज अ सॉल्व एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक में नहीं देखना क्या किया है, ओके मैं जो बता रहा हूं वो करो चुपचाप, फाइन, टेक्स्ट बुक को भूल जाओ। हाँ बोलो, डाउट क्या, प्रॉब्लम सर मैं पूछ रहा था कि सर? इसके ये टाइप के क्वेश्चंस के बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, तो फिर सब में मेथडोलॉजी सेम ही होएगा क्या? मतलब सबको हमेशा पहले स्टेप में डिवाइड करना हेलो सर? हेलो यस हेलो 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 हेलो, सर, यस चल सर, एक वेरिएशन लेते हैं, ओके। थ्रू दैट थोड़ा छोटा लिखता हूं, अगर दिखाई नहीं दे तो मुझे बता देना, ओके। कॉस ए ठीक है माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूव करना है। और बोल रहे हैं यूज द आइडेंटिटी, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये यूज करने बोला है, राइट। अब कुछ चीजें समझो कि वेरिएशन में खेलना कैसे है, छोटा मोटा, ओके। अब क्या चाहिए मुझे आरएचएस में, कोसेक और कॉट चाहिए, कैसे लाऊं भाई, कैसे लाऊं भाई, बाय। बोलो तो शायद किससे कोई डिवाइड करें, बाय साइन
साइन ए एवरीबॉडी बाय साइन, डिवाइड बाय साइन साइन से ए, सबको तो डिवाइड करो। साइन ए देखो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ओके डिवाइडेड बाय सबको नीचे भी कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। देखो तो व्हाट इज कॉस बाय साइन कॉट ए, व्हाट इज साइन बाय साइन 1 प्लस व्हाट इज 1 बाय साइन कोसे के डिवाइडेड बाय व्हाट इज कॉस बाय कॉस बाय साइन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसे के। ठीक है रीअरेंज, कैसे रीअरेंज करेंगे, ए को आखिरी में फेंक दो उठा करके, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहां पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है राइट। अब इक्वल टू देखो मैं क्या करूंगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए को ब्रैकेट में लिया और इस बार जो न्यूमरेटर का 1 है उसके बदले हम ये आइडेंटिटी डाल देंगे। क्या है 1 के बदले क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए। अरे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय नीचे का एज इट इज रहने दो। अब तुम बोलोगे ये कैसे समझेगा ऊपर का रहने नीचे 1 डाले या ऊपर 1 डाले। आरएचएस को देखो, आरएचएस को, आरएचएस को इसमें देखो नीचे आरएचएस है, कुछ तो नीचे में है करेक्ट, और यहां से नीचे का ब्रैकेट कट रहा है, नीचे का एक कट गया ऊपर का, मतलब ऊपर का सब कुछ काटना है मुझे, है ना ऊपर का सब कुछ काटना है तो हमने नीचे सब्स्टिट्यूट किया यस। और दूसरा वाला क्वेश्चन देखो भाई, यहां पे आरएचएस को देखो, यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है ओके, मतलब मुझे नीचे का सब कुछ काटना है तो मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट करूंगा, इतना चीज तुम याद रख लो ओके। अब आगे तो सब सेम है, दिस इज अगेन ध्यान देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी राइट। तो पहला ब्रैकेट एज इट इज कॉट ए प्लस कोसेक ए यस, बीच में माइनस है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब न्यूमरेटर में देखो एक ब्रैकेट पूरा के पूरा कॉमन ले सकता हूं भाई मैं, देखो यहां पर भी कॉट ए प्लस कोसेक है, यहां पर भी कॉट प्लस कोसेक है, दिख रहा है क्या यस, तो उसको कॉमन ले लेंगे। तो मैंने लिया कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन, तो बचेगा क्या, यहां से देखो पूरा ब्रैकेट चला गया तो 1 बचेगा सिर्फ, बीच में माइनस है तो माइनस साइन, और दूसरा ब्रैकेट क्या बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए यस और नो, एक सेकेंड ना। कोसेक ए बचा माइनस कॉट ए, गाइस प्लीज अंडरस्टैंड माइनस कॉट ए ये पूरा ब्रैकेट बचा है यहां पे यस, इसका 1 बचा बीच में माइनस है और इसका ये पूरा ब्रैकेट बचा तो मैंने उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया भाई यस। नीचे क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा कॉट प्लस कोसेक इनटू ये ब्रैकेट देखो 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पिछली बार ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा था क्योंकि भाई बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन था तो हमने डायरेक्ट ब्रैकेट लिख दिया, लेकिन जब माइनस होता है तो मैं हमेशा बोलता हूं माइनस ब्रैकेट के साथ लिखना है भाई तुमको, है ना। नीचे क्या बचा कॉट ए, अच्छा चलो नीचे को रीअरेंज कर दूं क्या, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं नीचे वाले को, पहले कॉट यस पहले 1 लिख देता हूं, ये 1 पहले लिख दिया, फिर माइनस कोसेक लिखता हूं बीच में, फिर
माइनस कोसे के, और आखिरी में प्लस कॉट ए लिख दो। यस, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट पूरा कटा, बचा सिर्फ कॉट प्लस कोसेक ए विच इज आरएचएस। बोलो, आई बात समझ? यस, सो दीज आर द टू क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक जो थोड़ा सा हटके है और उसका अप्रोच भी थोड़ा सा हटके है। अब देखो, जब वेरिएशन आते हैं ना तो हल्का सा दिमाग चलाना पड़ेगा। यस, इसमें कुछ कुछ वेरिएशन ऐसे भी होते हैं जो इस मेथड से सॉल्व नहीं होंगे, जिसको रैशनलाइजिंग करना पड़ता है, बट लकीली तुम्हारे बुक में तो नहीं है और लीस्ट एक्सपेक्टेड, बट फिर भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में मैं वो करवा दूंगा। बोलो, क्लियर है सबको सारी बातें? यस सर, सो ये दो मेन क्वेश्चन, तो तुमको थोड़ा सा काइंड ऑफ चीजें याद रखनी है उसमें कि हाँ यार ये थोड़ा ऐसे करना है, इसका अप्रोच ही अलग है पूरा के पूरा। ओके, मतलब हमारे रूल्स में तो ये बैठता ही नहीं है बिल्कुल भी। सर मतलब ऐसा हिंट दे होगा ना कि यूज दिस वन प्लस हाँ कॉसेक स्क्वायर फॉर इट्स हाँ आइडेंटिटी, बिल्कुल ये बिल्कुल करना है बिल्कुल, यस तो ये यस मतलब यस, एब्सोल्युटली दिया रहेगा ना, वो तो दिया ही रहेगा कि कैसे करना है। और अगर नहीं भी देते हैं, राइट, तो तुम्हारा इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन देख के तुमको समझ में आ जाए कि हाँ यार ऐसे करना है इसको। समझ रहे है? प्रैक्टिस तुमको करना पड़ेगा, क्वेश्चन का पैटर्न्स तुमको अपने नजरों में बैठा कर रखना पड़ेगा कि अच्छा ये उस तरह का है तो इसको मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा। गेटिंग इट? गाइस, दैट वाज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हल्के फुल्के एकदम छोटे 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 ऐसे एक एक लाइन वाले कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे, वो एक आध सेशन में कभी तो लेकर के हम करवाएंगे, बट जो मेन पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का वो खत्म हुआ है ना। और देखो यार, नेक्स्ट ईयर ना तुम्हारे बुक का लास्ट क्वेश्चन देखो तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा है, सब लोग 1 माइनस 10, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कुछ है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वो लास्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का है ना। तो जो हाँ जो हाँ लोग नेक्स्ट ईयर मेरे साथ मैथ्स पढ़ेंगे उन लोगों के लिए वो पहला क्वेश्चन होगा ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट ईयर, है ना, और वहां से हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ओके यस, समझ में आया? क्लियर है? सो गाइस, ये तो ठीक है, इतनी सी प्रैक्टिस से ट्रिग्नोमेट्री कभी होता नहीं है, ये तो हो गया तुम्हारा टेक्स्ट बुक का। ठीक है, सो इसीलिए मैंने बोला 25-30 क्वेश्चंस और करवाऊंगा सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज पे, बहुत जरूरी होंगे वो करना। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक को तो खा लो यार, रट लो, मतलब क्या बोले अभी, क्योंकि वो आते हैं एज इट इज। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग देम। ओके, आज का होमवर्क, यू नो व्हाट टू डू, कुछ नहीं, 7-8 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं बस वो करना है आप लोगों को, दैट्स इट, और तो कुछ आप नहीं पीडीएफ करना। भेजने वाले हो ना क्वेश्चंस के लिए? एब्सोल्युटली अभी भेज दूंगा, है ना, और मैंने टेक्स्ट बुक के ही सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, अभी तक बाहर से कुछ भी नहीं लिया है। ओके, सो अगले 10 मिनट में तुमको पीडीएफ मिल जाना चाहिए वैसे तो। सर फिर इसके बाद सर्कल्स चैप्टर, सर्कल्स। मैथ्स ही सिखाओ क्या, एक हाँ सर, साइंस का चैप्टर सिखाना जी सर, चाहता हाफ हो? ईयरली में आ रहा है ना, हाफ ईयरली? कब है हाफ ईयरली? एंड एंड में। में, सितंबर एंड में है ना। हाँ ठीक है ना, तो एक एग्जैक्टली चैप्टर साइंस का करो और फिर मैथ्स कर लेना एक चैप्टर। ओके, सो सर्कल्स करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ओके, सर, हाँ आज हमारा मैथ्स इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन खत्म हो गया। तो पूरा सिलेबस खत्म? अरे हाँ सर, बाप रे, बढ़िया है, बेस्ट है। तो श्वेता सिखाएगी और अभी सर्कल्स, सर हाँ ठीक है, चले गई ये बहुत। ठीक है ना? सितंबर, हाँ सितंबर एंड में हमारा फुल पोर्शन पे एग्जाम होगा, मतलब वेरी कर का गुड। वैसे। हाँ ओके ठीक ओके, है, तो हमारा क्या अभी क्या केमिस्ट्री कर में सकते हैं? कार्बन आयन कंपाउंड चालू है। हाँ वो तो दो दो दिन का चैप्टर है, मतलब अब टू बी वेरी फ्रैंक, राइट, तो वो हो सीरियसली जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। हाँ वो कट हो गया ना, पूरा चैप्टर ही कट हो गया, सिर्फ स्टार्टिंग चालीस स्टार्टिंग का दोबारा है, कार्बन कंपाउंड नहीं वो पढ़ रहे इथेनॉल तो। एसिड और फिर उसके प्रॉपर्टीज के बाद सब कट हो गया। हाँ उसके बाद का कट हो गया है, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है उसमें। ओके, तो वो हो सर जाएगा।
तो हम लोग बायो का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे रिप्रोडक्शन वाला, ओके? क्योंकि अब सेकंड एक चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हट गया है, तो इसका वेटेज बहुत बढ़ जाएगा। सो हम लोग नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे बायो का नेक्स्ट चैप्टर, ओके? फाइन। ओके सर, हाँ बोलो। सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सर डाउट था, मैथ्स को, मैथ्स का एग्जाम है सर मंडे को, एक पूछ सकता हूँ क्या? सर बोल दो जल्दी से। एक्चुअली वो आपने सिखाया नहीं था, आपने बोला था वो टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9/3/8 वो टाइम। है सर नहीं ना सिलेबस में, आप क्यों सिखाओ भाई? अरे क्यों क्यों नहीं है? बोलता क्योंकि क्वाड्रेटिक के वर्ड है सर, प्रॉब्लम्स एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हटा दिए, एंड आई एम सो कुछ हैप्पी कि मैंने वो सिखाया नहीं भी ऑनलाइन। कुछ भी क्या, जाके देखो, मैंने थोड़ी हटाया है भाई, सर है नहीं है, हमारी मैम ने ना? भी हटा नहीं दिया। सर, मैं पूरी आरडी शर्मा ऐसे करते बैठा। हाँ तो तुम पागल हो, तुम सुनते नहीं नहीं हो मेरी बात मतलब ठीक से, तुम मेरी इंस्ट्रक्शन समझते नहीं हो ठीक से। पहले एग्जाम्पल और टेक्स्ट बुक बट ही ठीक किया है, सर। अच्छा है कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो काम में ही आएगा, है ना, ओके काम सर, में ही आएगा। बट फिर भी अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट करें ना, इंग्लिश पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी भी पढ़ो, वो भी तो है सब। ओके सर, ठीक है सर, चलो सो मैंने भेज दिया गाइस, तुम लोगों को पीडीएफ मिल गया रहेगा, टेलीग्राम पे चेक कर लेना, अपलोड हो रहा है, मिल जाएगा 5 मिनट में। सो दैट्स इट, आई होप यू गाइज नाउ फील कि हाँ यार ट्रिग्नोमेट्री इतना भी बुरा नहीं है यार जितना तुम लोग उसको गाली मारते थे, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत छोटे मोटे उसको हैंडल कर लेंगे, है वो ना, लास्ट प्रैक्टिस वाली से है हो ना। जाता है। हाँ, वो प्रैक्टिस से हो जाएंगे, और इसीलिए मैंने उसको लास्ट में रखा, राइट, क्योंकि वो थोड़े अलग है। तो ठीक है, उसको 2 बार प्रैक्टिस कर लो तुम लोग, फिर तुम यार वो भी कुछ नहीं है, राइट। एक बार आप पहली पहली बार कुछ तो एकदम नया चीज सीखते हैं तो लगता है थोड़ा सा, बट नो नो वरीज, हो जाएगा वो भी, ठीक है। प्रैक्टिस करो ट्रिग्नोमेट्री एकदम अच्छे से, मजा भी आएगा, और क्वेश्चन सॉल्व करोगे और मजा आने लगे। फाइन, दैट्स इट गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय सर, सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।